नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ग्रुप डी का जिन्होंने एग्जाम दिया था रेलवे का, उसका रिजल्ट और आंसर की आने वाला है। तो कब आएगा इसकी पूरी जानकारी हम देते हैं, कृपया पूरा वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि RRB ग्रुप डी आंसर की जल्द जारी होंगे। आंसर की इसी महीने में आएगा रिजल्ट, मतलब आंसर की के साथ साथ रिजल्ट भी आएगा। तो कब आएगा तो इसकी हम जानकारी देते हैं जो कि न्यूज़ के माध्यम से। देखिए जो अभी एग्जाम चला था सितंबर अक्टूबर तक, लगभग अक्टूबर तक ही चला था ये एग्जाम। तो देखिए क्या है दिया गया है, तो RRB ग्रुप डी आंसर की 2018 इस हफ्ते या अगले हफ्तों की शुरुआत में जारी हो सकते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं जो ग्रुप डी का आंसर की था या तो इस हफ्ते आ जाएगा या तो अगले हफ्ते आ जाएगा। वहीं रिजल्ट भी इसी महीने जारी होने की उम्मीद है और रिजल्ट भी जो है इसी महीने जारी होने की उम्मीद है। हालांकि रेलवे ने इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, देखिए क्या है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जल्द ही ग्रुप डी के लिए आयोजित किए गए एग्जाम की आंसर की जारी करने वाला है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की अधिकारी अंगराज मोहन के मीडिया में दिए गए बयानों के मुताबिक, जो कि उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, जनवरी में आंसर की और रिजल्ट दोनों ही जारी किया कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसी महीने में आपको आंसर की और रिजल्ट दोनों जारी कर दिया जाएगा, जिसे अंगराज मोहन ने मीडिया के सामने बयान भी दिया था। फिर बताया जा रहा है, आपको बता दें कि रेलवे में 63,000 से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन मंगाए थे। इन पदों पर एग्जाम की प्रक्रिया करीब 3 महीने तक चली थी। 17 सितंबर को RRB ग्रुप डी का एग्जाम की शुरुआत की गई थी और 17 सितंबर 2018 तक चला था। मतलब 17 सितंबर को RRB ग्रुप डी एग्जाम की शुरू हुई थी जो 17 दिसंबर तक 2018 तक चला था। जैसा कि आप जाने 3 महीने तक लगभग ये चला था, बहुत ही लगभग इसमें 3 से 4 करोड़ लोगों ने, विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो देखिए क्या है, रेलवे ने हालांकि रिजल्ट और आंसर की को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसी हफ्ते या अगले हफ्ते शुरुआत में ही आंसर की जारी हो जाए, हो सकती है इसके कुछ समय बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया। अब देखिए क्या है, RRB ग्रुप डी ने आंसर की जारी होने के बाद इसको लेकर आपत्ति स्वीकार की जाएगी। मतलब जैसे ही अगर आंसर की जारी हो जाएगी, अगर कोई भी आपत्ति है तो उसके आपत्तियां भी स्वीकार की जाएगी। आपत्ति प्राप्त होने के बाद फाइनल रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। ग्रुप डी के परीक्षा पास होने वाले अभ्यर्थी को PET परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। PET परीक्षा का शेड्यूल ग्रुप डी के सबमिटी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद जारी होगा। जैसा कि आप जान रहे कि ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसमें आपको बताया गया है पीटी, जो पीटी का एग्जाम होगा, तो अगर उसमें जो पास अभ्यर्थी हो जाएंगे तब उनका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी। तो ये ऐसा मानना है कि जनवरी में ही लास्ट वीक में या फर्स्ट वीक मतलब जनवरी में ही दोनों जारी करने की इच्छा है, जैसा कि आप मीडिया के सामने आपके अंगराज मोहन ने बताया था। तो जो भी होगा, अगर जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी अगर ग्रुप डी संबंधी, हम आपको देते रहेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए। नमस्कार दोस्तों, अब हम आगे आपको नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।